रात उड़ते हैं जी हर इलाके के चैलेंजेस जोड़े ना वो डिफरेंट है। मत है गल कहो कि जी जो लाहौर है ये एंड है ये यूनिवर्सिटी है ये फलाना है धमकाना है। उस्ताद जी आपकी बात गाड़े से माना उस्ताद जी थोड़ा सा इंटरेक्ट किया सॉरी टू से मैं ये कहने का आप साथ नहीं आए टेम्परेचर नहीं नहीं टेम्परेचर थोड़ा सा साथ मेरा ज्यादा लाहौर के टेम्परेचर बाकी जो शहर का टेम्परेचर उम्र थोड़ा सा साथ हो जाए। उम्र भाई हर इलाके के चैलेंजेस डिफरेंट है। बिल्कुल सवेरे सवेरे हवा चलती है वहाँ वहाँ बहुत हवा चलती है सुबह सुबह चलती है मुझे तो पता मैं लाहौर क्यों नहीं चलती लाहौर बिल्कुल भी नहीं चलता घुमा ना तो फिर वो कह असि फस जाने आवाज साढ़े सवेरे कबूतर बंद ही नहीं होंगे असी की जवाब देंगे। हर देखो हर इलाके की कबूतरबाजी डिफरेंट है और चैलेंज के नाल भरी है। हर इलाका पाकिस्तान का इलाका है रिस्पैक्ट करो कतन तुम कहो कि यार असी जो लोहरी है असी जो गर्मी जुड़ाने तो डस्ट है इस तरह नहीं हर जगह तो गर्मी पई सर सारी हर जगह से गर्मी पई है। हर इलाके के चैलेंजेस जोड़े ने डिफरेंट ने डिफरेंट सा लोगों की खाम ख्याली है बंद होता है कुछ एडवांटेजेस जो है लोअर वालों को है इसमें गुम्मा कबूतर निकलता ऊपर कुछ जो एडवांटेजेस है ये इस साइड की बेल्ट की इसकी आप बात कर रहे हैं इनको भी है लेकिन जो डिसएडवांटेजेस उन्हें वहां पे है ना वो हमारे पास एडवांटेज की शक्ल में है। मसलन लाइक ये है कि जैसे हमारे पास हवा नहीं चलती अनसर्टन मौसम नहीं खराब होता आप देखे ना अक्सर उधर पंजाब वाली साइड में शाम को नेर फिर गया ये भी है चलता है ना उधर असल कश्मीर जम्मू कश्मीर लो जम्मू कश्मीर सर वजह की है वजह नॉर्दर्न एरिया जिनी हवा ट्रैवल होंगी सारी उस बेल्ट तक आती है फैसलाबाद तो पिछे पिछे ढाडी जिनी हवा है क्योंकि हवा दे नाल सारी गेम है ना जी ठंडा ग्रीन या जो भी सारा कुछ जिनी ट्रैवल तुहानू होंदी है दिल्ली वाली साइड तो दिल्ली तक अप्रोच करती है गर्म है वह ठंडक है लेकिन इहदा मतलब हरगिज़ ऐ नहीं है कि असीं कहना शुरू कर दिए कि यार उन्हां नूं बड़े एडवांटेजेस ने असीं जावांगे ना उत्थे ते असीं फेल होवांगे अगर वो साजी एक सिचुएशन रखते हैं अगर वो भी आएंगे तो मेरा मानना ये है मैं ये समझता हूँ कि शायद वो भी ना उड़ा मुश्किलात पेश करना वो देखें हर इलाके का मौसम एक जो है चैलेंज बराबर है आप जब उसको जाके फेस करेंगे देखेंगे करेंगे फिर आप एडजस्ट करेंगे। अच्छा आपका रिसेंट इंटरव्यू एक देखा था उसमें आपने माशाल्लाह कहा था कि आप नेक्स्ट प्लान पंजाब लेवल का है। हाँ जी बस मेरा एक आपसे स्टूडेंट के तौर पर एक सवाल है अगर आप कंपेरिजन करें माशाल्लाह आप इतने लेवल पे पहुंच गए आपने करके दिखाया कारकर्दगी से यार बाकी कबूतर इस गर्मी में भी अगर हम कंपैरिजन किया जाए इतना वर्क करें लाहौर है फिर गुजरांवाले है फिर गुजरात है गुजरात को और दूर आ जाता है फिर ये पीछे से ये अभी डबोवा चिनोट है ये साहिवाल है जी, जी, जी। अगर हम इनका कंपैरिजन कराएं एक जजमेंट कराएं अगर आप जजमेंट रखेंगे कंपैरिजन बनता है बाजी उड़ाने का नहीं, नहीं, नहीं बनता बनता बनना चाहिए देखें लाहौर में भी रह के वो मुकाबला हो सकता है सर देखें अगर वो आप देखें गेम जो है ना जो एवरेज निकलती है एवरेज की जो गेम है ना जो एवरेज निकलती है वो 1100 के करीब करीब घंटे प्लस 1000 कुछ घंटे और इसके आसपास टोटल एवरेज ठीक है ना 10 घंटे फिर कबूतर उड़ गया ऐसे ही बल्कि कम उड़ा बल्कि 10 भी ना उड़ा जी 8 समथिंग उड़ गया आई गेस मतलब कर लिए कि अच्छा सर एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ मैं एक जगह आपको लाइक घूमे वाला मौसम मिले जिस तरह ये जेड में पड़े अच्छा अब आपको याद मैं कराऊँ आपको याद ही होगा 2021 का भी जो जेठ आप जीते वो भी बाकी 22 और 23 की नस्बत ज्यादा गर्म जी गर्म था 24 उससे भी गर्म है आपकी गर्मी पर होमस डबल आई है जी पीछे अभी 2022 का जेठ तो बिल्कुल नॉर्मल एक किस्म का हो गया था हवाएं चलने लग पड़ी थी जहां तक मेरा ख्याल है घूमने वाला मौसम आपको घूमे वाला एक जगह मौसम का जी मिला जाए इस तरह ये जेड में अभी वापस हुई है जी ट्रक 1 2 3 आपके कबूतर बहुत तेज है क्राई करते हैं ओके एक जगह आपको ये जिस तरह साइड एरियो में हवा चलती है बुल्ले पड़ते हैं कबूतर जितना मर्जी बना हो नहीं हवा को चीज के पॉसिबल ही नहीं जाने कितना को चीरेगा वहां नहीं सर वो कबूतर चीरेंगे अच्छा क्योंकि वो कबूतर डेवलप उस तरह के हुए उनका स्ट्रक्चर बॉडी वेट भी होता वो जो शैडो में कबूतर है सर आपको देखें आप कबूतर छोटा है स्मार्ट बॉडी स्ट्रक्चर उनका ज्यादा कबूतरों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा है तो इसका मतलब कबूतरों में भी बड़ा फर्क है अक्सर हम देखते हैं कि ये रिसेंटली कबूतर मैं तो पहले कहता हूं कबूतर इलाकाई होते हैं इलाकाई होते हैं ऊपर जाए तो कबूतर मोस्टली क्योंकि मैंने देखे हुए छोटे-छोटे कबूतर लाहौर के
वहाँ इतने मेरी बात सुने, कबूतर मौसमी भी होते हैं, होते हैं मौसमी कैसे, एक कबूतर उसको बादल बारिश नहीं पड़ता ही नहीं, हर दफा निकल के आने, मतलब मौसम की भी सेंस रखता है ना जी कबूतर। बिल्कुल। अब जो आपने बात की है ना जी मुकाबला, देखें आप ये ना सोचें कि वो ठंडा में है, आपके पास गर्मी ज्यादा है, उनके पास नमी कम है, ये इन चीजों से बाहर है। आपका गोल ये होना चाहिए कि यार एवरेज बनती है 8.0 कुछ कुछ कबूतर, ठीक है मौसम ठंडा हो जाए गर्म हो तो मैं ये टारगेट करूँ। आपने मुझसे पूछा ना, मेरा ये टारगेट है कि यार मेरा कबूतर 10 घंटे उड़ना चाहिए, अगर मेरे कबूतर 10 घंटे उड़ते तो मेरी एवरेज बनती है 11 कबूतरों की 110 घंटे, अगर मेरे कबूतर 9 उड़ते हैं 9 उस तरफ दे दो 99 होगी जी, 99 होगी, 99 ही मेरे ख्याल में 11 घंटों के हिसाब से 99, ठीक है तो जी एवरेज बन रही हो तो उससे थले बन रही 95 के करीब बन रही है सर, 85 85-95 जो ही बन रही है सर, असी टारगेट करिए ना जी, असी एनी एवरेज बनानी है, असी ऐसे गल नु छड़ी है ना जी कि वो ठंडक सी इत्थे गर्मी सी एन तो बाहर आई है, मल्टीपल एक्सक्यूज ने बिल्कुल मुकाबला करना ना फिर एक ही हां जी इंशाल्लाह कहना ही चाहिए अच्छी बात की है उस्ताद हामिद साहब ने माना जरा के मजा आया सुन के बड़ा रीजनेबल उन्होंने आंसर दिया कि यार जब आपने चैंपियन बनना है तो ये सोच होनी चाहिए, ये विजन लेके आप चलेंगे भाई छोड़ो गर्मी है सर्दी है आप कबूतर पे फोकस करो अपने उड़ जाती है बड़ी बड़ी बात है सर। अपना सलमान भाई होना चाहिए कि हर ए गोल है मेरा मैं 1100 घंटा बनाना बिल्कुल वो मैं किस तरह बनाना वो टारगेट नहीं चाहिए जे मैं उठे पहुंचाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा बिल्कुल सही ठीक है तुम उधर की तैयारी करो ना जी सियालकोटी अच्छे ने फलाने अच्छे टमका सारे कबूतर अच्छे ने सब ने सारे रखे सारे रखे खुडा कि यूटिलाइज कर कबूतर किन्ने किस तरह डेवलप कर ले की पाके बना ले या किसी को की सिस्टम लग गया ये उस्ताद ओ उस्ताद ने जिन्ना दे कबूतर उड्डे ने ना बनया एवें ते की चीज दा बनया नाम नहीं बनदा जी कुछ ना कुछ तेरे पीछे कोई ना कोई चीज ते होंदी ना यही बात मैं अभी आपसे बोलने लगा था कि अब जिस तरह हम अपनी मिसाल लेते हैं आपके सामने हम शहर में रहते हैं कबूतरबाजी करते हैं हम इतनी नॉलेज नहीं ना हमारे इतने वसाइल मैं आपसे शहर की बात भी करता हूं देखिए आप शहर के चैलेंजेस भी हो रहे हैं हमारे कबूतर को साथ नहीं मिलता आपको साथ मिल जाता बिल्कुल मिल जाता सर हमारे कबूतर को लगड़ बैड़ी ज्यादा पड़ती है क्योंकि छत साइड पे है अकेली है आपको ये चीज नहीं है वो डिवाइड है मल्टीपल जगह से कबूतर उड़े हुए हो सकता है आपका ना पकड़ा जाए उसका पकड़ा जाए देखिये इस चीज से बाहर आए बिल्कुल इस जेन को खोलने की जरूरत है आप ये मतलब जैसे आप पहले बात करते जी डेरा है सिस्टम है सेटअप है तो जिसके पास नहीं है वो करे ना शो की ना करे मैं तो टैंकी के नीचे कबूतर रखे थे नहीं आप वो मैंने वहां से पहला कप उड़ाया था उस्ताद सफदर इकबाल टंडोवाल का अच्छा माशाल्लाह मेरे पास तो खुडा पीने भी उस्ताद जी एक बात आपकी ये है कि इख्तलाफात राय है मेरी अगर आप अंदरून में रह रहे हैं बिल्कुल जी जहाँ आप जी ठीक है एडवांटेज भी होते हैं हर जगह के डिसएडवांटेज भी होते हैं आप वहाँ पे इतने बड़े बड़े जाल हैं साथ साथ ही जाल है ठीक है कबूतर को पहले दुग जाओ उड़ाओ बाद की बात है वहाँ की नस्बत ये आपका माशाल्लाह सेपरेट एरिया एक सुकून से डेरा बना है ज्यादा इज्जत नहीं है इधर की कबूतरबाजी में इधर की कबूतरबाजी में फर्क है दरदाम में फर्क है सर देखो सानू ते की प्रॉब्लम है बच्चे बाहर बंद है बन के ठीक है इन्हें जिंदर बच्चे बाहर बनाने बेचारे ने उथे बैठे रहना धुप्पे बैठे रहना की वजह है हल्का जहा एल नंगी नहीं ते बच्चे तड़के थले डिग गए कोई इधर डिग गया को उधर डिग गया कहीं लभते रहने ढड को है प्रॉब्लम हमारे भी है भला क्या वजह है हमारे तो पकड़ के आपको तो फिर मिल जाता वहां पे तो बैठा सर वो तो कोई जाल फड़ लेता ना जी उड़ के जाल चला गया ना साढ़े उन्हें थले डिग गया तक आप बिल्ली कुत्ता लाई जाता कई बार नजर नहीं पैंती कई बार साढ़ा बच्चा आपकी ये राय है मेरा कहने का मतलब है देखो आपने इसके अंदर से गन तलाश करना है गंद ही मिलेगा आपने इसके अंदर से कोई अच्छी चीज सीखनी है वही मिलेगा इसको क्लियर करने की जरूरत है ये जो दिमाग है इसको मजबूत करने की जरूरत है आपको
अगर आप देखते हैं कि यार मेरे पास उस जगह पे सेटअप पे जाने पे देर है, तो मैं क्या 5 साल 10 साल 6 साल 1 साल वेट करूं, अपने आपको मारता रहूं? नहीं, आप अपने जेहन को मजबूत करें कि नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की खैर हो, बरकत से, अल्लाह की रजा से मैं लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा। आप देखना अगले साल आप कुछ नहीं करोगे तो किसी जगह फंसना शुरू हो जाए, 2-3 सालों के बाद आप किसी जगह पहुंच जाओ। ऐसे ही बिल्कुल बड़ी अच्छी बातें की हैं। और साजी अक्सर देखा, एक्सक्यूज नहीं बयान करना, घबराना नहीं, ये बेस्ट बात की है। इंशाल्लाह हम ये लेके जाएंगे सबक अपने घर, बहुत बड़ी बात की है। चैंपियन खिलाड़ी हैं, चैंपियन बने हैं, इन्होंने एक बात आज कॉन्सेप्ट जेल में डाली है हमें सीखने को। यार जो बंदा एक्सक्यूज करता है, जो बंदा कहता है नहीं यार हालात ऐसी हैं, बाकी वो फिर इन्हीं जगहों में रहता है, निकलो और करो यार, ठीक है मैं करूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। डजों में नहीं नजर आते जवाब देता हूँ, पहले एक बार का जवाब। जब मुझे लगा ना कि डेरा होना चाहिए, मेरे पास वसाइल नहीं थे, मेरे वाले साहब ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया इस काम, उनका यही कहना था कि ठीक है तुम्हें जो समझ आता करना है। उनका था कि ना छत बनाएगा, ना पैसा लाएगा, ते ना शौक कर, क्योंकि हर बंदा तो नहीं समझता ना वो, तो जब अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी, अल्लाह नवाज दिया, अब उनको पता लग गया कि यार इसका क्या कद काट है इस गेम में, ठीक है। तो एक आपकी पीआर बन जाती है, तालुकात बन जाते हैं, लोग सारा कुछ बन जाता है, अल्लाह पाक आपको नवाज देते हैं। मैंने वर्किंग की जी, मैंने वर्किंग की पहले प्लॉट के लिए, मैंने 5 महल का प्लॉट देखा, मैंने कहा नहीं यार ये छोटा है, मेहनत की कुछ अरसे के बाद मैंने 10 महल का प्लॉट लिया, जहाँ से आप एंटर हुए वहाँ मेरा प्लॉट। फिर मैंने सोचा कि यार ये जगह भी जो है ठीक है, लेकिन इसका फ्यूचर का मुझे फ़ायदा नहीं, मुझे फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होगा, मैं थोड़ा और वेट करूँ, जगह ऐसी जगह पे लूँ, कल को मेरे बच्चों के भी काम है। अब आप जिस जगह पे आप बैठे हैं, इसके सामने 150 फीट रोड है, बड़ा बिल्कुल मेन रोड पे, साथ सर्विस रोड भी है, सर्विस ये मिसिंग पैच है, 1 साल बाद 2 बाद 4 बाद 3 बाद अल्टीमेट इसने कनेक्ट होना, सीधा डिफेंस रोड चल जाएंगे, एक ऑरेंज रोड है टाउनशिप वाली जो कहलाती है वो जी। मुझे ये पता है कि आने वाले कुछ सालों में ये मल्टीपल इसको इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, शौक भी हो जाएगा। जब आप सोचते हैं मेहनत करते हैं ना, अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खोल देता है। बिल्कुल, जब तक आप निकलते नहीं, आप कोशिश नहीं करते, रास्ते नहीं बनते। अपने जेहन को गेम सारी जेहन की है, बिल्कुल। एक बंदा बिल गेट्स है, एक बंदा अभी बैठा हुआ है, तो उसने बिल गेट्स अमीर बाप का बच्चा है, उसकी हिस्ट्री निकाले, बाकी जो लोग बने हैं उसके बाप जी, इसके बाकी लोगों को निकाले, इसलिए कौन लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, विजन लेके चले, मेहनत करें, कोशिश करें, ठीक है। आप अपना एक गोल सेट करें कि मैंने ये अचीव करना, सिर्फ उसी के ऊपर वर्किंग करें, बाकी चीजें आप छोड़ दें, कोई क्या कहता है, मैं कसम से मुझे कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं कहता, मैंने कभी इसका ध्यान नहीं दिया, मेरा टारगेट नहीं है, मेरा गेम, मेरी गेम मेरा टारगेट है। मैं जैसे मैं अपनी गेम करके फारिग हो गया, मेरा कबूतर में नहीं है, मेरा बंदा है, इसने माशाल्लाह मेहनत करनी है, क्योंकि गेम तो असल ये करता है ना, असल गेमर ये पक्के करता है, कबूतर पक्के करता है, हमें बताता है उस्ताद जी ये टॉप है, ये निकलेगा, तो मैं जब कबूतर ऊपर हो तो मैं, आप मेरी वीडियोस में देखिएगा, मैं बार बार इसके पास जा रहा हूँ। हाँ मलक, अच्छा इससे पूछते हैं, कबूतर निकलना है नहीं निकलना, जब मैंने इसको बचा गई ना, इसने मुझे पूछना बच्चा ऊपर है, उस्ताद जी फलाने नंबर बच्चा ऊपर निकलेगा, मैं कह दूंगा उम्मीद निकलेगा, क्योंकि फलाने का बच्चा पीछे, मुझे पता है ये एक, देखें एक टीम वर्क है, उसके बगैर ही मुमकिन नहीं है, मतलब हामिद अकेला इट्सेल्फ कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे मेरे साथ मेरी टीम की सपोर्ट है, जो मेरे लिए मेहनत करते हैं, सारी जान मारते हैं, उसके बाद जाके मेरा मामला चलना शुरू, टीम वर्क है इसका, हमने पोर्शन डिवाइड किए ना, कुछ पोर्शन मेरे पास है जो मैंने ही करना है, बाकी पोर्शन उसके पास है जो जिम्मे ही उसके, मेरे जिम्मे नहीं। अच्छा उस्ताद जी, ब्रीडर सेटअप इधर ही छत पे, ब्रीडर सेटअप मेरा घर में है। अच्छा घर में, तो एक बात पूछूंगा बस, थोड़ी सी भी राव करना जी जी जी। अभी हम भी साजी आपके नक्शे कदम पे, हर बंदे का ड्रीम होता है जो भी शौक करता है कि यार मैं इस लेवल पे पहुंचू जहाँ पे लोग मुझे पसंद करे, इस बंदे को बेस्ट लेवल में, हर किसी तो इंसान की फितरत है, हर बंदा चाहता है मैं उस लेवल पे जाऊँ जहाँ पे मेरा लेवल एंड हो, क्योंकि माशाल्लाह आप इस टाइम अचीव कर चुके हैं, जीएल चैंपियन बनने से आगे तो कुछ भी नहीं है। तो कबूतर जारी बात है, आपने भी शुरू से स्टार्ट किया, हाँ किसी से ना जान ना कोई पहचान जी, ना कोई उस्तादी ना कोई शिगिर्दी, जीरो से शुरू है, तो जीरो से जब बंदा चलता है उसको बड़ा कुछ अपना सर्व करना पड़ता है, पैसे भी, फाइनेंशियली भी, और आपको फिजिकली भी बहुत कुछ करना पड़ता है, काफी करना पड़ता है,
तो आपने बॉर्डर के उतर माशाल्लाह रखे हैं, बस मेरा ये सवाल है लोगों को, मैं बड़े लोग ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ना वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं भाई, उनका बहुत शौक होता है पाकिस्तान आए, लेकिन उनके हालात ऐसे हैं उनके पेपर वर्क नहीं हुआ होता, वो नहीं आ पाते, फिर आप जैसे उस्तादों की वीडियो देख के अपना शौक पूरा कर लेते हैं, और वो जितने वो लोग हमारा इंटरव्यू गौर से सुनते हैं ना, आप उनको ये भी पूछ लो कि 50 मिनट के इंटरव्यू में उस्ताद आमिर ने 39 मिनट में क्या कहा वो आपको बताए, इधर के लोग क्योंकि उनको पता है उनकी सोच विजन और होता है, ओवरसीज गए होते हैं सात समुद्र पार कारोबार करने, सही बात, उनका देखने का नजरिया दुनिया को हमारी तरह से और होता है, उन्होंने दरबार की ठोकर कितना वो पैसा इन्वेस्ट किया आपने आज जेन्युइन बताना इन कबूतरों पे, कबूतर मैंने आपकी वीडियो में देखा माशाल्लाह सारे गोल्डन आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह बर्ड्स हैं, तब भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ गई, ये भी तो आप मानेंगे ना, अगर आपके पास उधार अच्छे नहीं होंगे तो आप रिजल्ट अच्छा नहीं ले सकते, क्या मान कितना को पैसा ये बस बता दे लोगों के लिए, अब एक बंदा नहीं इतना लाखों रुपया खर्च कर सकता, आपने किए होंगे कबूतर कैसे बनाए वो, ये बस मेरा सवाल है, आम बंदा जो अपना शौक बड़ा लेवल पे अपने कबूतर किस तरह अच्छे बनाए, पहला स्टेप तो कबूतर अच्छा बनाने का, अच्छे बनाएगा तो अच्छे उड़ाएगा ना सर, सर पहली बात तो ये जितने ओवरसीज हैं ये बेचारे बेचारे नहीं मैं कहता मतलब ग्रेट लोग बेचारे, मेरे मेरे मुंह से इसलिए निकला कि मेहनत करते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल है वहाँ, काफी जो दोस्त है ना जो मुझे मैसेज कर चुके हैं कि फलां बंदे से हमने कबूतर लिए, फलां बंदे से उसने ऐसे किया वैसे किया, और फलां बंदे से मैंने मियां नज़ीर वाले कबूतर लिए, फलां बंदे से मैंने चोई सखी साहब, क्योंकि दो कबूतर है जो मार्केट में इन्हें जिन्हें अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई हमारे लाहौर में, ये दो कबूतर ज्यादा पॉपुलर बिल्कुल, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार बात यह है कि आपको मियां नज़ीर वाले कबूतर चाहिए ना, मियां नज़ीर साहब का बेटा कबूतर सेल करता है, आपको उनसे कबूतर लेने चाहिए, वेरी गुड, क्योंकि आपके दिल में कोई वहम नहीं होगा कि मैंने उनसे कबूतर उनके घर के कोई दो लमरी हुई है या कोई गलत कबूतर, चोई सखी साहब वाले कबूतर चाहिए, चोई सखी साहब से कबूतर लेने चाहिए, मैं बारहा कह चुका हूँ, अब भी मैं ये एडवाइस करता हूँ, आप राइट लेफ्ट नहीं फंसे, वो पैसा भी अपना बर्बाद करते हैं, अच्छा मैं आपके सवाल के जवाब देने जा रहा हूँ, वो पैसा भी बर्बाद करते हैं उस्ताद जी, एक बंदे ने मैं पता क्या मेरी आदत कुछ ऐसी है कि मैं जो है ना मैं ना तो किसी से डरता हूँ ना कोई फेक मूवी बनाता हूँ ना कोई ऐसी बात करता हूँ, अब रात को एक बंदे का मुझे फोन आया है निशारा विरका से, ठीक है, उसने चोरी साहब के घर से आदल से कबूतर लिए हैं और कबूतर एक भी नहीं अच्छा निकला बच्चा उसमें से, अब ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਤਨ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ ਗੰਦੇ ਮਿਲੇ ਬੁਰੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਕਾਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਦੇਖਣਗੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸਣਗੇ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਛੇ ਦਫ਼ਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸ਼ੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਜ਼ੇ ਨਾ ਵਜਣਗੇ, ਡਿਸਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ
अपना लोहरी अख दे नाल वो तो पास नहीं होएगा, वो तो पास नहीं होएगा। मैं जो इस्लामाबाद जावांगा तो मैंने कोशिश करनी चाहिए कि मैं उन्हें उस पैटर्न के कबूतर देखा कि यार इधर ऐसे का कबूतर चल रहा है, इंज दा चल रहा है। इस तरह ही वो दोस्त जो बाहर बैठे ने उन्होंने पता होना चाहिए कि यार सानू किस इलाके च कबूतर चाहिए, किस तरह का कबूतर। इस तरह थोड़ा स्मार्ट वर्क कर, उन्होंने पैसे भी बचेंगे, उन्होंने टाइम भी बचेगा और शौक उन्होंने बेहतरी आ जाएगा। बाकी जी इन्होंने गल की कि पैसा लाया या ये किया वो किया, देखो साहब जी हर बंदा अपनी जेब के मुताबिक हसीयत के मुताबिक पैसा लाता, ठीक है। किसी को लकीली जल्दी मिल जाते हैं, किसी को लकीली नहीं मिलते, कोई लाता ही रहता, किसी को थोड़े ला के भी लग जाता। वो यह कहना कि जी मैं कहा जी मेरा इन्ना ही पैसा लाता, नहीं ऐ नहीं होता, हर बंदा ही लाता है, लाता अपनी हैसियत मुताबिक ला रहा ही होता, ला रहा कबूतर लखा की करोड़ा दे तक चलेगी, एक आम अच्छा टैडी बच्चा ले लो ना, आम जिन्हू ना उस्ताद है ना शगीर, वह कहना भाई मैं 5,000 का बेचना, बिलकुल सही है। आम बंदा ले लेंदा, एक शौक का क्रेज ऐसा है कि इंसान खिंचता है, इंसान कहना कि मैं ले लवां, बंदा 50,000 ले लिया बहुत अच्छा इंटरव्यू दी है, आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू दी है। कुछ बातें जो उन्होंने की है, अगर ये देखे चैंपियन, उन्होंने कहा विजन बनाए अपना, छोड़ दे गर्मी, अभी मेरा भी कॉन्सेप्ट था यार हम समझते हैं गर्मी, साथ में हमारे साहब ने हमें बात की, हमारे उसी टाइम हमने पिक की है, हमने ये नहीं कहा नहीं कि अपना एक विजन बनाओ। और सबसे बड़ी जो बात जो मुझे मुतासर किया और मैं इंशाल्लाह आज यहाँ से लेके अपने इलाका वाइज कबूतर को ढूंढो कि यार मेरा ये इलाका मुझे यहाँ पे ये कबूतर सूट करेंगे, मैं इन पे वर्क करूँ ना, कि मैं लंबे खोते घोड़े कबूतर बनाता रहूँ जो मुझे सूट नहीं करें। अब हमारे यहाँ पे गर्मी है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है हमें वही कबूतर सूट करेगा जो ग्राई करेगा, ऐसी तो हमें ग्राई वाली कबूतरों पर फोकस करना चाहिए, ना कि सामने फिरने वाले कबूतरों पर लाल आंखें पीली आंखें, ये तो फिर एक बात है जितनी मर्जी आप करते रहें। टारगेट टूर्नामेंट हुंदा ठीक है, जिहड़ा टूर्नामेंट हुंदा ना जी ओही टारगेट हुंदा है, ते असीं हिसाब भी नहीं कीता। मुझे टाइम देना चाहिए ना, क्योंकि मुझे शौक है ना, मैं शौक किसको गिनता हूँ कि आपने शौक किया, बिल्कुल कबूतर उड़ाए फिर फड़के ली संभाले किए, आपने मावत रखा है वो कबूतरबाजी कर रहा है सारा कुछ कर रहा है, आपका शौक किस लेवल पे है कि वो कर रहा है मैं देख रहा हूँ, मेरा शौक किस लेवल पे है कि मैं करूँ ठीक है, मेरा बंदा मुझे तैयार करके दे, तैयार करने के बाद मैं कबूतरों को संभाल करूँ उड़ाऊँ देखूँ वो मेरे साथ सपोर्ट करें। अब मैं इसको मैनेज नहीं कर पाता बिजनेस के हवाले से, कारोबारी